नमस्कार सभी को, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम कक्षा सात का जो हमारा चौथा पाठ है, हास्य बाल कवि सम्मेलनम वाला जो पाठ है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है वो हमारे हास्य बालक जो कवि हैं, उनका जो है इसमें हमें सम्मेलन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए, विविध यानी कि विविध वेशभूषा को धारण करके चार कवि जो है वो हमारे यहाँ पर क्या है, मतलब हमारे यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, यानी कि विविध वेशभूषा धारिण चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टः सन्ति। यानी कि विभिन्न प्रकार के वेशभूषा को धारण करे हुए मंच पर चार जो है बाल कवि जो है वो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अदह श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। ठीक है ना, और जो श्रोतागण हैं, जो उनकी सम्मेलन में जो उनके भाषण को सुन रहे हैं, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, और वो बहुत ही मतलब सुनने के लिए, उन कवियों के सुनने के लिए मतलब बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है ना, कोलाहल कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें संचालक क्या कह रहा है। संचालक कह रहा है कि अलम कोलाहलेन, संचालक कह रहा है कि अलम कोलाहलेन कोलाहल मत कीजिए। ठीक है ना, अदह परम हर्षस्य अवसरः यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हन्तारः कालयापकाश्य भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागतः सन्ति। यानी कि वो कह रहा है अलम कोलाहलेन, यानी कि वार्तालाप मत कीजिए या बातचीत मत कीजिए, अदह परम हर्षस्य, और आज जो है वो परम हर्ष का जो है वो अवसर है, अतः अस्मिन् कवि सम्मेलने, और इस कवि सम्मेलन में काव्य को हरने वाले, काव्य की जानकारी देने वाले भारतस्य हास्य कवि, और भारत के जो हास्य जो कवि हैं वो धुरंधर जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, समाहित हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि वो कह रहा है कि हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि यहाँ पर जो हास्य बाल कवि हैं, बहुत ही धुरंधर जो कवि हैं, वो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यही करतल ध्वनिनाम वयम एतेषां स्वागतम करम, और इनका जो है ताली बजा करके करतल ध्वनि से इनका सभी स्वागत कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए गजाधर क्या कह रहा है कि सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रसिकों को मेरा नमस्कार। ठीक है ना, सभी रसिकों को मेरा नमस्कार। प्रथमः तावदः अहम् आधुनिकम् वेदम, और प्रथम जो है वो मैं आधुनिक वेद को क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए देखिए उद्देश्य शुकियम काव्यम श्रवणानि, और मेरा जो उद्देश्य है वो इस काव्य को सुनने का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद गजाधर नमोस्तुभ्यम यम राज सहोदरः
यमस्तु हरति प्रणाम वेद प्रणाम धरानी च। यानी कि वो क्या कह रहा है, वेदराज को नमस्कार कर रहा है और यमराज, और यमराज को भी क्या कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। यानी कि वेद जो है, यमराज तो क्या करता है, केवल प्राणों को ही हरता है, लेकिन वेद जो है वो प्राणों के साथ साथ धन का भी, प्राणानि धनानि च, यानी कि वेद जो है वो प्राणों के साथ धन का भी हरण करता है। यानी कि नमोस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यानी कि वो क्या कर रहा है, वेदराज को और यमराज दोनों को नमस्कार करके कह रहा है, यमस्तु हरति प्राणां वेदा और प्राणां धन, और यमराज जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ प्राणों को हरता है, लेकिन वेद जो है वो क्या कर रहा है, वो प्राणों के साथ साथ हमारे धन को भी हर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए, सर्वे उच्चे हसंती, सभी बहुत जोर से हंसते हैं, ठीक है ना। कालांतक क्या कह रहा है दोस्तों, कालांतक क्या कह रहा है देखिए, ठीक है ना, अरे वेदस्तु सर्वत्र परंतु न ते मात्र कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यमिदं श्रवन्तु भवन्तः। और ये कह रहा है कि वेद जो है वो सर्वत्र है, परंतु ये तो ना ही मादृश भी है, कुशल भी है, और जनसंख्या वो निवारण करने वाले भी है। ममापि काव्यमिदं श्रवन्तु, और मेरा भी क्या कीजिए, काव्य को श्रवण कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में क्या कह रहा है, चिंताम प्रज्वलिंताम दृष्ट्वा वेद्यो विषयमागतः नाहागतो न मे भ्राता कश्चिदं हस्य लाघवम्। यानी कि चिंता जो है वो क्या करती है, प्रज्वलित, प्रज्वलित यानी कि अग्नि को जलाती है, और दृष्ट्वा वैद्य, और जो है वैद्य को क्या करती है, विस्मय, विस्मय करती है। नहा गतो में भ्राता कश्यमेध हर्षिला, और ना ही मैं जो है वो भ्राता जो है वो कश्यदम हस्य लाघवम्, और सभी को क्या है वो लाभ देने वाली होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो सभी क्या है जो क्या करते हैं, वापस से हंसने लग जाते हैं। कालांतक की बात पे क्या करते हैं, वो भी वापस से पुनः सर्वे पुनः हसंती, तो वापस से वो जो लोग हैं वो वापस हंसने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए तुंदेलह, तुंदेलह क्या कह रहा है, तुंदस्य उपरि हस्ताम आवर्तयनम तुंदेलोहम्भो ममापिदं काव्यं श्रीयताम जीवने धार्यताम च। ठीक है ना, तो तुंदेल क्या कह रहा है के ऊपर के जो है वो हस्तम जो है उसको छोड़ करके मेरा भी जो काव्य है उसको भी सुनिए, वो जीवन पर जो है वो आधारित है। ठीक है दोस्तों, जैसे परात्तम परात्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परात अन्नम दुर्बलम लोके सारी सारी राणी पुनः पुनः। यानी कि दूसरों का जो है वो अन्न प्राप्त करके दुर्बुद्धि और क्या है जो माँ शरीर है वो मेरे शरीर पर दया करो, परा अन्नम दुर्लभ लोके शरीर राणी प्रोत पर, दूसरों का जो अन्न है वो दुर्लभ होता है और लोके परी परी शरीर राणी पुनः लोके शरीर, और लोक में जो है वो शरीर जो है वो पुनः पुनः बार बार जो है आ जाता है। सर्वे पुनः अट्टा हासम कुर्वन, और सभी जो है वो जोर जोर से हंस जाते हैं। जैसे मतलब ये कह रहा है, तुंदेल कह रहा है कि जो पराया जो अन्न है उसको मतलब वो दुर्बुद्धि की बिल्कुल मतलब दुर्बुद्धि जो है वो अपने शरीर को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अपने शरीर पर दया कीजिए, और परा अन्न जो है वो दुर्लभ है इस लोक में, और शरीर को जो है पुनः पुनः अपने शरीर को क्या है जो वापस से अपने आप में मतलब उसको स्वस्थ रखिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं।
बाल चार वर्ग क्या कह रहा है, चार वर्ग कह रहा है कि आम आम यानी कि हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचेतमेव, और शरीर के पोषण के जो है वो हमेशा क्या है वो उचित रहता है। शरीर का पोषण हमेशा ही मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम्, और यदि धन भी नहीं हो तो भी ऋण ले करके कृत्वापि यानी कि पौष्टिक पदार्थ का क्या करना चाहिए, भोग करना चाहिए, पौष्टिक पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। ये कह रहा है कि चाबक कह रहा है कि हाँ हाँ शरीर के पोषण के लिए हमारे पास धन नहीं हो तो भी हमें मतलब धन जो है वो ऋण ले करके और पौष्टिक पदार्थ का क्या करना चाहिए, भोग करना चाहिए, पौष्टिक पदार्थ तो हमें ग्रहण करना चाहिए। तथा कथयति चावर्क, ऐसा कौन कहता है, चावर्क कवि जो है वो कहते हैं या जी या वो जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और जो है मनुष्य जो है वो अपने सुख के लिए ऋण लेकर के अपने शरीर के लिए ऋण लेकर के भी घी को पिए, ठीक है ना, घृतवा पिबेत यानी घी को भी पिए यानी कि अच्छा पौष्टिक जो है वो आधार ग्रहण करे, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए श्रोता श्रोता तहिर तहिर ऋणस्य प्रतिपरणम कथम, तो वो कह रहा है कि ऋण जो है उसको वापस भी तो प्रतिपरणम कथम, और इसका जो ऋण को है जो चुकाना यानी कि वापस जो है वो कैसे देंगे। तो चावर्क कहता है कि श्रुतामह श्रुतामह, चावर क्या कर रहा है, श्रुतामह मम अवशिष्ट काव्यम, सुनो मेरा भी जो है वो अवशिष्ट जो बचा हुआ जो काव्य है उसको सुनो। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा, और घृत पी करके घी पी करके मतलब परिश्रम कीजिए, ऋणम प्रत्य पर्यजनः, और उससे जो पैसा जो कमाए उससे जो परिश्रम से जो धन कमाया जाता है उसको जो है वो उस जिससे भी आपने बाप ऋण लिया है उसको मतलब वापस कर दीजिए, मतलब घी पी करके जो ऋण लिया है उससे परिश्रम कीजिए और मतलब परिश्रम से धन को वापस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेति एक बालको अपि आशु कविता रचति, और काव्य पाठ को सुन करके एक जो बालक है वो उत्प्रेरित होता है और आशु कविता की रचना करता है हास्य पूर्वकम श्रवण, और वो जो है वो हास्य पूर्वक जो है वो उस चीज को सुनता है, उस कविता को सुनता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए देखिए तो इसमें जो है वो क्या कह रहा है, बालक क्या कह रहा है कि बालक कह रहा है कि श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, यानी कि सुनो सुनो मेरा भी काव्य जो है उसको सुनिए, ठीक है ना। उसके बाद में गजाधरम कबीम चैवह तुंडेलम भोज्य लोलुपम कालातकम तथा वेदम चावर्कम च नमाम्यहम, यानी कि गजाधर जो कवि है वो तुंडेल भुज को लोलोपित करके और कालांतक के जो है कालांतकम कालांतक जो है तथा वेद जो है वो चावर्क जो है उन सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, नमामि कर रहा हूँ यानी कि नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रायित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, और इस काव्य को सुन करके जो है वो
सभी जो है वो क्या कर रहे हैं, इस कार्य को सुनकर के हंसने लग जाते हैं। अन्य चा अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति गच्छन्ति, यानी कि वो अन्य भी जो सभी लोग हैं वो सब हंसने लग जाते हैं और सभी अपने घर के लिए चले जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जो बालक है वो सभी कवियों को, तुंडेल को, भोज्य लोकों को और कालांतक आदि वैद चावर्क आदि जो नाम के कवि हैं उन सभी को मतलब नमस्कार करता है और सभी हंस करके और अपने घर के लिए चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो कक्षा सात का जो चतुर्थ पाठ था हास्य कवि बाल सम्मेलनम, वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।